यो गाइस, क्या हाल चाल है तुम लोगों के। आज मैं फिर से तुम लोगों के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं तुम लोगों को बताऊंगा एफपीएस को कैसे बूस्ट कर सकते हो पोज ऐप में। एंड फिर से मेरा ये मतलब है, मैंने और एक बार वीडियो बनाया था भाई, उसमें बंदे सेटिस्फाइड ही नहीं हो रहे थे। एनीवेज भाई, मुझे पता है जब एफपीएस नहीं आते तो क्या होता है। अब देखो, जो माइनक्राफ्ट है ना, वो सीपीयू बेस्ड गेम है, ना कि जीपीयू बेस्ड। तो मतलब अगर तुम्हारे पास एक अच्छा खासा जीपीयू भी होगा तो तुम्हारे एफपीएस में कोई फर्क नहीं आएगा माइनक्राफ्ट के अंदर। हाँ, अगर तुम्हारे पास एक तगड़ा सीपीयू है तो तुम मैक्सिमम एफपीएस लिमिट को क्रॉस कर सकते हो पोज ऐप के अंदर। एंड भाई, तुम एफपीएस के गॉड भी बन सकते हो पोज ऐप के अंदर। बाय द वे भाई, हम लोग बहुत ज्यादा ही क्लोज है 20 के सब्सक्राइबर्स के, तो प्लीज अगर तुम लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार। क्या कर रहे हो यार, प्लीज यार कर दो। हम लोग बहुत क्लोज है 20 के सब्सक्राइबर्स के, और मैं देखना चाहता हूँ यार मेरे चैनल पे 20 के सब्सक्राइबर लिखा हुआ हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड वीडियो को ध्यान से देखते रहना। और मैं जो साथ में डाउनलोड लिंक दूंगा ना, फोल्डर बना के दूंगा, मतलब कि तुम लोग फोल्डर को डायरेक्ट लगा के इजीली खेल सकते हो। सबसे पहले मैं तुम्हें ये दिखाता हूँ इनके बीच में डिफरेंस क्या है, मतलब कि ऑप्टिफाइन को सब मेन समझते हैं ना, ऑप्टिफाइन को और इन मोड्स के बीच में क्या अंतर है, मैं तुम लोग को ये पहले दिखाता हूँ। जो लेफ्ट वाली क्लिप है ना, उस पर मैंने सारे मोड्स लगा के रखे हैं, और जो राइट वाला क्लिप है उस पर मैंने सिर्फ ऑप्टिफाइन को लगा के रखा है। और तुम लोग अच्छे से देख सकते हो यार कौन ज्यादा स्टेबल है। एंड अगर तुम लोगों ने अच्छे से देखा होगा तो ऑप्टिफाइन बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। हाँ, कभी कभी एफपीएस आ जाते हैं, पर इसने ऑलरेडी अनस्टेबल के हद को भी करके रखा है। तो या हमें चाहिए स्टेबिलिटी, जो मेरे व्यूज पे बिल्कुल भी नहीं है। मजाक को साइड में रखते भाई, मजाक नहीं यार, तुम लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते इसलिए भाई इंप्रेशन भेजना छोड़ दिया यूट्यूब ने। प्लीज यार तुम लोग वीडियो को एंड तक देख लेना। तो हाँ, इसके लिए हम लोग जाएंगे मोड्स के साथ, क्योंकि उसमें ज्यादा स्टेबिलिटी है। अब ये जितने मोड्स है ना, ये सब वोल्कन मोड को सपोर्ट करते हैं। हाँ, अगर समाओ तुम्हारे मोबाइल पे वोल्कन मोड सपोर्ट नहीं करता, तुम लोग सोडियम में यूज कर सकते हो, मैं कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगा। एंड ये सब मोड अगर तुम लोग यूज करना चाहते हो तो तुम्हारे मोबाइल पे फेब्रिक इंस्टॉल होना चाहिए, फेब्रिक एपीआई के साथ। नाउ इन सब मोड्स का नाम एंड इनको कैसे यूज करते हैं वो तुम्हें मैं आगे चल के बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले गेम पे चलते हैं एंड इनको सेटअप करते हैं। आओ, तो सबसे पहले तुम लोग देख लो मैंने यहाँ पर कौन कौन मोड को डाल के रखा है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने डाल के रखा है मोड मेनू को मोड्स दिखाने के लिए, देन यहाँ पर मैंने क्लम्स को डाल के रखा है एफपीएस बूस्ट करने के लिए, फिर करंट चंक मैनेजमेंट इंजन को, देन यहाँ पर डायनेमिक एफपीएस को, और यहाँ पर फेराइट कोर भी है, यहाँ पर क्राफ्टोन भी है, लिथियम भी है, मेमोरी लैग फिक्स भी है। एंड यहाँ पर मैंने सबसे मेन मोड को लगा के रखा है जो सर्वर पर सब काम में आता है, वेरी मेनी प्लेयर्स। देन यहाँ पर कंपलसरी वोल्कन मोड को मैंने यहाँ पर डाल के रखा है। आई नो तुम लोगों ने ये मोड्स कभी ना कभी यूज किए होंगे, क्योंकि ये सारे मोड्स अभी कॉमन हो गए हैं। तो देखो, मोड्स अकेले लगाने से तुम्हारे एफपीएस आ नहीं जाते हैं, अभी तुम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट इन गेम सेटिंग को करनी होगी। एंड अगर तुम लोगों ने मेरे कुछ रिसेंटली वीडियो को देख के रखी होगी तो ऑलरेडी तुम लोगों को पता चल चुका है मैं क्या बोलना चाहता हूँ। हाँ, अगर किसी को पता नहीं है तो मैं फिर से बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पर वर्ल्ड के अंदर आ चुका हूँ, एंड आई गेस ये जगह बढ़िया है तुम लोगों को एफपीएस दिखाने के लिए। और तुम लोग ये जो लैग देख रहे हो एक्चुअल लैग है, मतलब कि मोड लगाने के बाद के एक्चुअल लैग। देखो, तुम लोग जब तक सेटअप नहीं करोगे तब तक तुम्हारे कुछ नहीं होने वाला। तुम लोगों को जाना है इन गेम वीडियो सेटिंग में, और उसके बाद मैं जो जो बता रहा हूँ तुम लोग सब कॉपी कर लो। तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी वीडियो सेटिंग के अंदर हूँ, एंड मैं जो जो कर रहा हूँ तुम लोग सब कॉपी कर लो। सबसे पहले यहाँ पर मैक्स फ्रेम रेट को फुल कर दो, अनलिमिटेड कर दो, देन यहाँ पर वीसिंग को ऑफ कर दो, नीचे चले आओ एंड बूस्टेड ब्राइटनेस को यहाँ पर फुल कर दो, यहाँ पर स्मूथ लाइटिंग को ऑफ कर दो, व्यू बॉबिंग को ऑफ कर दो, नीचे आ जाओ फिर से, यहाँ पर ड्यूरेशन इफेक्ट एंड फॉग इफेक्ट को एकदम जीरो कर दो, क्योंकि ये बहुत एफपीएस खाते हैं। फिर ग्राफिक्स के अंदर आओ, एंड अगर तुम लोग अच्छा डिवाइस है तुम लोगों का 4GB के ऊपर तो यहाँ पर तुम फैंसी रख सकते हो। एंड बायोम ब्लेंड को यहाँ पर एक कर देना, क्लाउड्स को भी ऑफ कर देना, पार्टिकल्स को मिनिमल रख देना। एंड अगर तुम्हारा अच्छा डिवाइस है तो यहाँ पर रेंडर चंक को आप 6 पे रख सकते हो, मैं भी रखता हूँ। एंड सिमुलेटर रेंडर चंक को 0 कर देना, एंट्री डिस्टेंस को 50 कर देना, एंड एंट्री शैडो को ऑफ कर देना, और यहाँ पर कुछ नहीं है। एंड अदर्स में तुम लोग छेड़छाड़ी मत करना, यहाँ पर अप्लाई कर देना, फिर डन कर देना। अभी हमने जो सेटिंग किया है अभी मैंने उसको अप्लाई भी कर लिया। एंड तुम लोग यहाँ पर डिफरेंस एक बार देखो, यहाँ पर मेरे कितने एफपीएस आ रहे हैं जबकि मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करके रखी है। और बहुत सारे लोग बोलेंगे भी उतने एफपीएस तो नहीं आ रहे जो हमने एक्सपेक्ट कर रखे थे। तो मेरे भाई तुम मत भूलो, मैंने रिकॉर्डिंग भी ऑन करके रखी है। एंड दूसरी बात ये है, मैंने रिसेंट वीडियो से 2K पे रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया है, वो भी मैं एंड्रॉइड से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और एक चीज ये है कि तुम्हारे पास जितने एंटिटी होंगे उतना ज्यादा माइनक्राफ्ट उसको रेंडर करेगा एंड उतने एफपीएस कमाएंगे। अब ये रिकॉर्डिंग के समय की क्लिप है, जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था 2K पे, एंड जब रिकॉर्ड करते हो तुम मोबाइल से तब वहाँ पर रैम सीपीयू जीपीयू सब यूज होता है। बाय द वे, अगर तुम लोग यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में ये वाला हार्ट को स्पैम कर देना। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ मोड्स को कैसे गेम में इंस्टॉल करना है। आओ, तो सबसे पहले तुम लोगों को मेरे कमेंट सेक्शन में तुम लोगों को जो भी सपोर्ट करता है वोल्कन या फिर सोडियम मोड फोल्डर को डाउनलोड कर लेना है एंड जेड अचीवर को खोल लेना है।
सो गाइस यहाँ पर मैंने ZHMR ऐप को खोल लिया है एंड यहाँ पर आप लोग दो फाइल देख सकते हो। अगर आप लोगों का सोडियम सपोर्ट करते हैं तो सोडियम को फोल्डर को डाउनलोड कर लेना एंड वोल्कन सपोर्ट करते हैं तो वोल्कन को डाउनलोड कर लेना। फिर जो भी करता है वो सपोर्ट उसके अंदर चले जाना एंड ऑप्शन टेक्स्ट मोड्स कॉन्फिग इन तीनों को यहाँ से कॉपी कर लेना। फिर डिवाइस स्टोरेज पे चले जाना, फिर एंड्रॉयड पे चले जाना, देन यहाँ पर डाटा पे क्लिक करना। फिर यहाँ पर आप लोगों को नेट के जी पूजा प्लंजर फाइल को ढूंढ लेना है एंड नेट के जी पूजा प्लंजर का फाइल यहाँ पर लास्ट में रहता है। फिर इसके अंदर आपको चले जाना है। जाने के बाद देन यहाँ पर फाइल पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पर डॉट माइनक्राफ्ट के अंदर आप लोगों को चले जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को ये सारे मोड्स को पेस्ट कर देना है। एंड अगर यहाँ पर आप लोगों को पहले से ऑप्शन टेक्स्टी मोड्स कॉन्फिग है उसको पहले डिलीट कर देना है। यहाँ पर सिलेक्ट करना है पहले आप लोगों को, देन यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके डिलीट कर देना है। मैं डिलीट नहीं करूँगा क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी पेस्ट करके रखा है। फिर आप ये दोनों को कोई भी लगा सकते हो, सोडियम भी लगा सकते हो, वोल्कन भी लगा सकते हो, आपके जो सपोर्ट करता है। नाउ आप लोगों का काम हो चुका है, आप लोग आराम से गेम को खेल सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों का गेम में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर लो, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों का प्रॉब्लम को फिक्स करना। तो प्लीज यार डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर लेना। तो अगर हम लोग 20K सब्सक्राइबर हिट कर लेते हैं तो उसके बाद एक टेक्सचर पैक वीडियो आएगा एंड उसके साथ एक Q&A भी आएगा। Q&A करूंगा मैं लाइव पे सब्सक्राइबर के साथ, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो मैं मिलता हूँ ऐसे मजेदार वीडियो लेके, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय एंड सब्सक्राइब कर देना यार।